कोडिंग प्लस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो को सिर्फ पुराने व्यूअर्स नहीं, नए व्यूअर्स भी देखते हैं। जो बहुत सारे नए लोग इस चैनल पर आते हैं वो लोग भी देखते हैं। तो मैं हर वेंसडे को एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ, सो दैट कि आप प्रिपरेशन कर सकें कि कल आपको किस तरह से ट्रेड करना है, राइट। तो फर्स्ट थिंग ये। इसके अलावा इस वीक में हमने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया हुआ है, क्योंकि इस वीक में दो वीकेंड, मतलब इस पूरे वीक में दो हॉलीडेज थे, तो हमने कोई मेजर ट्रेड नहीं किया इस पूरे वीक में। तो जो ट्रेड हमने किया हुआ है उसकी मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जो हमारा ITC का ट्रेड था वो अभी क्लोज हो चुका है, तो नेक्स्ट मंथ में हम लोग कौन सा ट्रेड लेंगे उसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो ट्रेड है ये उन लोगों के लिए है जो लोग कंपटीशन को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, या अगर कंपटीशन को ज़्यादा टाइम दे भी सकते हैं लेकिन ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो मंथली बेसिस पे एक 3-4% का रिटर्न किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ मैं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए इस चैनल पर जो व्यूज़ आते हैं, जो भी मैं डेली एनालिसिस की वीडियो बनाता हूँ, तो उस पर लगभग 3-4 हज़ार के आसपास व्यूज़ आते हैं, बट जो लाइक्स हैं वो सिर्फ 200 के आसपास ही आते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, इससे मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे समझ में आता है कि अच्छा आप मेरे कंटेंट को लाइक पसंद कर रहे हैं, तो मैं और कोशिश करता हूँ जो कंटेंट मैं आपके साथ बना रहा हूँ, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको और इम्प्रूव करने का। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दिया करिए। और लास्ट थिंग, नवंबर मंथ की मेंटरशिप के बारे में आप लोग बहुत सारे पूछ रहे थे, तो नवंबर मंथ की मेंटरशिप स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन में लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको मेंटरशिप की कंप्लीट डिटेल चाहिए तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का भी लिंक आपको रजिस्ट्रेशन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है कि इस मंथ, मतलब नवंबर मंथ हम लोग क्या क्या सीखेंगे, कैसे कैसे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, वो सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं सारी चीज़ें। चलिए तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मैंने ऑप्शन खोला हुआ है और यहाँ पे मैं आपके साथ ये ITC का ट्रेड शेयर कर रहा हूँ। दो यहाँ पे आपको 15,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, बट मैंने जो अपना ट्रेड क्लोज किया है वो 12,000 समथिंग पे क्लोज किया हुआ है। ये ट्रेड मैंने अभी सिर्फ इसलिए क्लोज नहीं किया सो दैट कि आपको दिखा सकूं, यहाँ पे जब 1 रुपीज के आसपास प्रीमियम था, 1 पॉइंट के आसपास प्रीमियम था, तभी मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया है। तो अगर आपने ये वाला ट्रेड मेरे साथ लिया है तो हम मेरे साथ, और अगर मेरे साथ एडजस्टमेंट किया है, तो हम सभी ने एक ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया है इस ट्रेड में। मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेड मैंने क्यों क्लोज कर दिया पहले ही, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट हमारा कम्प्लीटली रेंज के अंदर है, फिर भी मैंने ये ट्रेड को पहले सिर्फ इसलिए क्लोज कर दिया क्योंकि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ये जो एक्सचेंज है हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे 2,70,000 जब हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं तब लगता है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आने लगती है और लास्ट वीक में एक्सचेंज हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये ट्रेड मैंने एक्चुअली 10 लॉट्स में किया हुआ था, तो उस अकाउंट में मेरे पास 30 लाख रुपीज़ हैं। तो अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड करता रहता तो इस समय यहाँ पे पर लॉट के लिए अराउंड 3.5 लाख रुपीज़ चाहिए होते हैं अगर मैं ये ट्रेड को एक्सपायरी वाले दिन तक होल्ड करता, मतलब मुझे टोटल 35 लाख रुपीज़ चाहिए थे इस अकाउंट में, सो दैट कि मैं ये 10 लॉट का ट्रेड होल्ड कर सकूं, जो कि मेरे अकाउंट में उतना अभी नहीं है। तो मैंने इसको एक्सपायरी से 2 दिन पहले ही क्लोज कर दिया, सो दैट कि जो भी मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है वो 12,000 समथिंग के आसपास प्रॉफिट मिल रहा था, वो प्रॉफिट मैंने बुक कर दिया, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो हम लोग अब नेक्स्ट वीक का ट्रेड लेंगे वो हम लोग, मैं आपको डेट बता देता हूँ, आप यहाँ पे डेट चेक कर लीजिए। तो ये जो हम लोग, एक सेकेंड, जो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड लेंगे ये हम लोग लेंगे आपका जो फ्राइडे 4th of November को फ्राइडे, उस दिन हम लोग जो नवंबर मंथ का मंथली ट्रेड है उस दिन लेंगे। और उसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर करूंगा, तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसी पे मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो 4th November को हम लोग जो अपना नेक्स्ट मंथली ट्रेड है 4th November को लेंगे, राइट। अब इसके बाद आ जाते हैं ये वाला ट्रेड है, ये दो ट्रेड मुझे आपको दिखाने। देखिए ये दोनों ट्रेड की डिटेल्स मैंने टेलीग्राम पर शेयर नहीं किया क्योंकि अभी भी ये दोनों ट्रेड, ये वाला ट्रेड और ये वाला, इस वाले ट्रेड की स्ट्रैटेजी, पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ यूट्यूब पे भी शेयर किया हुआ है कि कैसे करना होता है और किस तरह से एडजस्टमेंट करना होता है। ये वाला जो ट्रेड है इसकी अभी ये वाला ट्रेड मेरा टेस्टिंग फेज में चल रहा है, तो जब तक ये ट्रेड पे मुझे फुल कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, जब तक मैं इस ट्रेड पे मुझे समझ में नहीं आ जाता कि अच्छा आप ये हम लोग रेगुलर बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, मैं उसके बाद एक बार मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर करने लगूंगा। इस ट्रेड को देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, मैंने ये ट्रेड को लिया था और जैसे ही लिया तो सडनली मुझे 340-370 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट होने लगा था, तो मैंने ये ट्रेड को क्लोज कर दिया है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेंटरशिप, जो लोग भी मेंटरशिप के मेंबर हैं उन लोगों ने इस ट्रेड को होल्ड किया हुआ है, तो इस ट्रेड का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा मैंने
मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने अपना पर्सनल ट्रेड क्लोज कर दिया 340 रुपीज़ के आसपास पर लॉट के प्रॉफिट पे, लेकिन जिन इस ट्रेड को मैंने सिर्फ यहाँ पे सेव कर रखा है सो दैट कि मैं आपको ये बता सकूँ, या जो लोगों ने ट्रेड को क्लोज नहीं किया है, मेंटोरशिप जो लोग मेंटोरशिप के मेंबर हैं, जिन लोगों ने ट्रेड को क्लोज नहीं किया है उनको क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, उस वजह से मैं आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल्स बता रहा हूँ। और अभी मैंने ये ट्रेड को क्लोज नहीं किया, जब कल मार्केट खुलेगा तो ये ट्रेड को क्लोज करूंगा और हम उस समय डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें क्या पोटेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है हमें, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाला ट्रेड है जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है, ये ट्रेड मैंने खुद भी लिया हुआ है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया है, 20 लॉट्स में मैंने किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है यूजली अगर मैं कैलेंडर का ट्रेड करता हूँ तो 50 लॉट्स के आसपास करता हूँ, लेकिन इस ट्रेड को मैंने सिर्फ 20 लॉट्स में ही किया हुआ है। ये ट्रेड अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्सपायरी है ये 3 नवंबर की एक्सपायरी है, और ये जो हमने बाय किया हुआ है ये 10 दिसंबर का एक्सपायरी का बाय किया हुआ है। इस ट्रेड में हम कल तक तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, इसके बाद ही अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ही हम लोग कोई एडजस्टमेंट करेंगे, वो भी जो एडजस्टमेंट करेंगे वो हम लोग फ्राइडे से करना शुरू करेंगे। तो फिलहाल अभी इस ट्रेड में कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रेड में जो आपका रिस्क है वो बहुत लिमिटेड है, मैं आपको बता दूँ, ये जो 4000 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है आपको इस तरफ 3600 समथिंग का, ये लॉस आपको कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि कैलेंडर के ट्रेड में ये जो वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं इस केस में इस लॉस को भी ये कम्प्लीटली, ये जो प्रीमियम है यहाँ पे कम्प्लीटली इसको जीरो कर देता है, उसके बाद ये लॉस दिखेगा, बट ये लॉस आपको होने वाला नहीं है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे प्रीमियम क्या देखें तो 216 के आसपास आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है और 278 प्रीमियम आपने पे किया है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको जो लॉस होगा वो अराउंड 2000 रुपीज़ के आसपास का लॉस हो सकता है, इससे ज़्यादा का इसमें लॉस नहीं होगा। लेकिन ये लॉस भी तब होगा जब मार्केट कम्प्लीटली इधर बाहर आपकी रेंज में चला जाए और हम लोग इस टाइम पीरियड में कोई भी एडजस्टमेंट ना करें तब। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अगर कैलेंडर के ट्रेड में एडजस्टमेंट जैसे ही हमारे ब्रेक इवन के आसपास आता है तो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, तो एडजस्टमेंट करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली इस ट्रेड में हमें लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। तो जो भी डिटेल्स होगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम का जैसा कि मैंने आपको बताया लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये सारी डिटेल्स थी। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं ये दो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे। देखिए, ये हर वीडियो में जब भी मैं विजिटर को वीडियो बनाता हूँ तो ये दोनों वीडियो जरूर शेयर करता हूँ। ये दोनों वीडियो शेयर करने का रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को पहली बार देखते हैं, तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि ये एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, दो वीडियो मैंने एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर बनाया हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला मैं तब यूज़ करता हूँ, ये इस स्ट्रैटेजी को मैं तब यूज़ करता हूँ जब मार्केट खुला और उस दिन विक्स ऊपर है, मतलब 2-3% विक्स ऊपर है, तो मैं ये वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। और अगर मार्केट खुल जैसे ही खुला एक्सपायरी थर्सडे के दिन और मार्केट विक्स 2-3% नीचे है या मार्केट ओवरऑल लो विक्स मार्केट है, लो विक्स मतलब कि 17 से 17 से कम है विक्स, तो मैं ये वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। तो ये दोनों ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आप अच्छे से देख लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तब निफ्टी का लॉट था 75 का, अभी निफ्टी का लॉट है 50 का, तो इस वीडियो में मैंने जो आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया है, मतलब जो रूल शेयर किए हैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, जहाँ पे मैंने 2000 रुपीज़ का टारगेट रखा है उस 2000 रुपीज़ की जगह आपके आपको 1200 रुपीज़ का टारगेट रखना है, और जो आपको लॉस रखना है वो भी 1200 रुपीज़ का ही रखना है, बस ये एक मॉडिफिकेशन करिएगा। इस वीडियो में मैंने आपके साथ 2000 रुपीज़ प्रॉफिट और 2000 रुपीज़ लॉस पर लॉट का शेयर किया है, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको 1200 रुपीज़ प्रॉफिट या 1200 रुपीज़ पर लॉट का लॉस रखना है। अगर आप बोलेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से एक फ्रेश वीडियो बनाऊं इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर तो मैं वो भी बना दूंगा, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आंसर जरूर से करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेंटरशिप में रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।